काफ़ी लंबे टाइम के इंतज़ार के बाद सैमसंग ने A23 5G स्मार्टफोन के लिए अक्टूबर की न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो रिलीज़ कर दी है। तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस अपडेट के बारे में, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स और फीचर्स के साथ अपडेट को रिलीज़ किया गया है, साथ ही साथ अभी तक आपके स्मार्टफोन में ये अपडेट नहीं आई है तो फाइनली आपके स्मार्टफोन में अपडेट कब तक आ जाएगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम के इंतज़ार के बाद सैमसंग ने A23 5G स्मार्टफोन के लिए अक्टूबर की सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है ना वो रिलीज़ कर दी है, जिसका अपडेट फाइल 281.21 MB की दी गई है। 1 अक्टूबर 2024 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ ये अपडेट इंडिया में ऑफिशियली रिलीज किया गया है। और दोस्तों, अपडेट अभी तक आपके स्मार्टफोन में नहीं आई है तो 3 से 4 दिनों में अपडेट आ जाएगी। वैसे आप लोग इन 3 से 4 दिनों में अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर अपडेट ऐप में जाकर चेकआउट करते रहिएगा। वहीं पे बात करें इस अपडेट के चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, क्या कुछ नया इस अपडेट में ऐड किया गया है। तो बेसिकली 280 MB की अपडेट फाइल हमारे को मिल जाती है। तो इस अपडेट में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं की गई है, माइनर सी चेंजेस इस अपडेट में की गई है, जैसे कि डिवाइस के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, डिवाइस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है, बग्स फिक्स किए गए हैं, नए पुराने फीचर्स को इन्हेंस करने की कोशिश की गई है। वैसे फ्रेंड्स, इस अपडेट में हमारे को लेटेस्ट अक्टूबर की सिक्योरिटी पैच मिल जाती है, इसी वास्ते आप लोग अपडेट जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस न्यू वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।